अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? आज रमजान स्पेशल हवाले से वीडियो बना रही हूँ और वो है पालक के पकोड़े। तो उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आप लोग नोट कर लीजिए कि कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ है। 1 कप भर के मैंने ये बेसन का लिया है, 1 मुट्ठी पालक जिसे मैंने बारीक बारीक धोकर अच्छी तरह काट लिया, 1 दरमियानी साइज की प्याज जिसे मैंने रफली काट लिया, 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून खाने का सोडा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये वो तमाम चीज़ें जो हमें पालक के पकौड़ों के लिए चाहिए। तो चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन में ये कटी हुई प्याज डाल दूंगी, 2 हरी मिर्चें, सफेद जीरा, खाने का सोडा, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक। ये सब चीजें डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी सबको। बेसन मैंने छान कर लिया है। और नमक आप हमेशा जब भी पालक के पकोड़े बनाएं तो थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि नमक पालक में भी नमकियात होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके पकोड़े बहुत तेज हो जाएं नमक उसमें। ये देखें, ये मैंने बहुत अच्छी तरह प्याज के साथ इसे मिक्स कर दिया जो मसाले डाले थे बेसन को। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत अच्छी तरह से घोल लूंगी बेसन को। देखें, बहुत मजेदार पकोड़े बनते हैं पालक के और रोजे में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। ये देखें, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको पानी के साथ घोल दिया है और अभी ये आपको नजर आ रहा है कि काफी गाढ़ा गाढ़ा है। तो अब इसे मैं पालक डालकर मिक्स करूंगी, इसलिए कि फिर पालक में भी पानी होता है तो इसमें से थोड़ा बहुत पानी रिलीज होगा, तो ये बैटर पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें पालक डाल देंगे और इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर देंगे। देखें, चलो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ फिर आपको। तो पकौड़ों का बेसन मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बहुत शानदार हो गया ये। और इसे मैं 10 मिनट रखने के बाद जो है इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करूंगी पालक के। 10 मिनट इसको हम रेस्ट पे छोड़ेंगे, 10 मिनट बाद हम बनाएंगे तो बहुत अच्छे पकोड़े बनेंगे। चले भी वह 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, गैस ऑन कर दी है और अब उसमें मैं ये डालना शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्जी, आप स्पून से डालें या हाथ से डालें, छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। पकौड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए तो अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। लेकिन फ्रेंड्स, पालक के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं, इसे मैंने प्लेटर में निकाल दिया है और इसे मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ गार्निश किया। आप देख सकते हैं कितने शानदार लग रहे हैं देखने में ही, बहुत मजेदार। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।